समस्त निर्मल चेतनाओं को इस चेतना का सादर प्रणाम। अंतःकरण की यात्रा का प्रारंभ होने जा रहा है, जो ध्यान की गलियों से गुजरती है। भीतर में उतरकर हम अपने समस्त मनोभावों को टटोलते हैं कि भीतर में किन्हीं घटनाओं, किन्हीं हालातों, किन्हीं स्थितियों के प्रति हमारे अंदर क्या चलता है, क्योंकि हम मानव दो स्थितियों को एक साथ जीते हैं। पहली स्थिति ईश्वरीय अस्तित्व की, जो हमारे भीतर एहसास कराते रहते हैं, और दूसरी स्थिति उनकी बनाई संरचना की, जिन बाह्य घटनाओं स्थितियों से हमारी चेतना गुजरती है, तो उसकी प्रतिक्रियाएं हमारे भीतर में होती है। तो दोनों ही प्रकार की स्थितियों से हमारी चेतना गुजरती है। एक तरफ हम उनसे जुड़ाव का आनंद उठा रहे होते हैं, तो दूसरी तरफ बाह्य जगत की घटनाओं के प्रति हमारे भीतर रिएक्शंस होते हैं। ध्यान यात्रा के दौरान उनसे जुड़े जुड़े उनके सामने वे समस्त रिएक्शन प्रदर्शित होते हैं। धीरे धीरे हम उन सभी चीजों को उनके हवाले करते चले जाते हैं, ताकि उनकी शक्तियां उन सब मुद्दों को हमारे माध्यम से देख सके। हम माध्यम हैं उन समस्त सकारात्मक और नकारात्मक घटनाक्रमों के, जो एहसास हमारी चेतना में आते हैं, उन सब भीतर में स्थित मां के हवाले करते जाते हैं, और कुछ चीजों को कर्तव्य समझकर अपनी चेतना का भी योगदान देते हैं। इसी के लिए हमें माध्यम बनाया गया है। तो चलते हैं आज की इस अनूठी यात्रा की ओर। अपने समस्त संगी साथियों को ले चलते हैं अपने स्वयं के मध्य हृदय में, जहां हमारे हृदय रूपी सिंहासन पर आरूढ़ है श्रीमान। अपने चित्त
मन चेतना वह जागृति के साथ और अपने अन्य साथियों के साथ कूच करते हैं अपने मध्य हृदय की ओर। साष्टांग प्रणाम करते हैं श्री मां के श्री चरणों में। के प्रेम की ऊर्जा को महसूस करेंगे अपने यंत्र में। खींचते हुए सहस्त्राल मध्य हृदय आनंद से परिपूर्ण हो जाते हैं। और इन दोनों के सानंद में हमारी चेतना मस्त होने लगती है। और इस आनंददायी स्थिति में समस्त प्रकार के विचार समाप्त होने लगते हैं। भीतर के आनंद में हमारा चित्त चेतना रमने लगती है। और एक स्फूर्ति धारा हमारे रोम रोम में दौड़ना प्रारंभ कर देती है। और ऐसे दिव्य अलौकिक भीतर के वातावरण में हम शून्य होने लगते हैं। अब उठकर बैठ जाएंगे ध्यान मुद्रा में अपने।
अपने ही हृदय में महसूस कर सकते हैं सहस्त्रार में हृदय में खिंचाव बढ़ता ही जा रहा है और इस बढ़ते खिंचाव के साथ साथ हमारी समस्त नसों नाड़ियों में ऊर्जा विचरण कर रही है। ऐसा प्रतीत होता है मानो हमारा चित्त पूरी तरह से रिक्त हो गया हो। जो आम हालात में न जाने कितनी चीजों में उलझता रहता है, परंतु इस क्षण वह पूर्णतया खाली हो गया है। इस शून्यता वह रिक्तता का कुछ और देर तक आनंद उठाते हैं। अब अपने चित्त को हम अपने मध्य हृदय में ले जाएंगे और साथ ही अपने सहस्त्रार पर उपस्थित मां की शक्ति को भी महसूस करेंगे। सहस्त्रार से कनेक्टेड होने की प्रतिक्रिया स्वरूप मध्य हृदय में उत्पन्न होने वाली ऊर्जा पर भी अपने चित्त को टिकाएंगे। और अब जरा हम अवलोकन करने जा रहे हैं अपने भीतर में उठती हुई उन भावनाओं का
जो हमारे इस बाह्य जीवन में किन्हीं अन्यायपूर्ण घटनाओं को देखकर, महसूस कर, पढ़कर उत्पन्न होती है, जरा एक चिंतन यात्रा से गुजरते हैं कि जब जब हम अपने चारों ओर प्रकृति के व परमात्मा के विपरीत सुप्त मानवों को जाते देखते हैं तो हमारे भीतर क्या महसूस होता है। किस किस प्रकार की अनुभूतियों के दौर से हम उस वक्त गुजरते हैं, जब हम किसी अत्याचारी को लगातार अत्याचार करते देख रहे होते हैं, तो उस अत्याचार के प्रति हमारे भीतर में किस प्रकार की प्रतिक्रिया होती है। जब अपनी सुंदर धारा को चंद आताताइयों द्वारा नष्ट होता देखते हैं, इसकी शांति को भंग करते देखते हैं, तब हमारे भीतर में क्या होता है। स्मरण करें, जब हम अखबार पढ़ते हैं और उसमें दिल दहला देने वाली घटनाएं घटित होती हैं, पढ़ते हैं उसको, तो हमारे भीतर क्या प्रतिक्रियाएं होती हैं। उन समस्त चीजों के प्रति हमारा अंतःकरण क्या कहता है। जब किसी नन्हे से बालक या बालिका को नर पिशाचों के द्वारा पीड़ा पहुंचाते आहत होता देखते हैं, सुनते हैं या पढ़ते हैं, तो हमारे अंतःकरण में क्या होता है। जब अपने चारों ओर साधकों के बीच में किन्हीं सहज फॉलोअर्स को, दूसरों को पीड़ा पहुंचाते देखते हैं, दूसरों पर शासन करते देखते हैं, दूसरे सहज साथियों के प्रति गलत सलत बोलते देखते हैं, सुनते हैं, तो हमारे भीतर क्या होता है। जरा स्मरण करके देखें, और जब विश्व के किसी भी कोने में या हमारे राष्ट्र में अति लोभियों द्वारा सत्ता के माध्यम से शक्ति का दुरुपयोग करते देखते हैं, तो हमारे भीतर क्या आवाज आती है।
जब अपने ही देश में अनेकों विभागों द्वारा निर्दोष लोगों का खून चूसते देखते हैं तो हमारे भीतर क्या होता है, जरा गौर करके देखें। स्मरण करें उन सभी बातों को जो नकारात्मकताओं का तांडव करते हुए हमारे भीतर में हमारी चेतना हमें क्या महसूस कराती है। आज यदि गौर करें अपने चारों ओर, जरा ध्यान से देखें कि हो क्या रहा है, तो हम सभी ये पाएंगे कि अनाचार, अत्याचार, आतंक, दुष्टता, चारों ओर तांडव कर रही है और सच्चे व अच्छे लोग इन सभी चीजों से बेहद आहत व पीड़ित हैं। तो एक शक्ति का साधक होने के नाते हमारे क्या कर्तव्य हैं इन समस्त प्रकृति व परमात्मा विरोधी घटनाओं के प्रति। जरा भीतर में आज सभी चीजों का हमारे अंदरूनी एक्शन रिएक्शंस का थोड़ा अवलोकन करेंगे। क्या हम सब ये समस्त चीजों को देखकर सब श्रीमा पर छोड़ देते हैं? से प्रार्थना करते हैं, या हम अपने अस्तित्व को इन समस्त नकारात्मक स्थितियों के प्रति जिम्मेदार मानते हुए कुछ करते हैं, कुछ सोचते हैं? तो आज की यह चिंतन यात्रा ध्यान अवस्था में इन्हीं तथ्यों से गुजरेगी। महसूस करें अपने भीतर के वास्तविक अस्तित्व को, इन समस्त घटनाओं के प्रति प्रतिक्रिया करते हुए महसूस करें। समस्त मानवता के विपरीत घटित होने वाली घटनाओं के प्रति क्या हमारे भीतर
अनेकों ज्वालामुखी फटते हैं, क्या हमारे आक्रोश का लावा हमारे अंतःकरण में बहता है? महसूस करें, इन समस्त दुष्टताओं को देखकर क्या हमारे भीतर नाराजगी उत्पन्न होती है? क्या हमारे भीतर में इन सभी इस रचना को नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों के प्रति रौद्रता महसूस होती है? क्या कभी हमें ऐसा महसूस होता है कोई हमारे भीतर रौद्र रूप धारण कर इन सभी नकारात्मकताओं को समाप्त करने के लिए आतुर होता है? अवलोकन करके देखें, क्या हमारे भीतर में कोई अपनी धरा को बचाने के लिए कुछ करना चाहता है? गौर करें, क्या हम अपने भीतर यह भाव रखते हैं कि हम तो बस इस धरा पर अच्छे साधक बनकर परम के साथ केवल एकाकार होने के लिए आए हैं? या इस प्रक्रिया के साथ साथ इन समस्त चीजों को रोकने के लिए क्या हमारा कुछ दायित्व बनता है? चिंतन मनन करके देखें, और जरा ये भी गौर करें, जब हमारे भीतर इन दुष्टताओं को देखकर क्रोध उत्पन्न होता है तो उस वक्त क्या हमारे सहस्त्रार हृदय में ऊर्जा बह रही होती है या बंद हो जाती है?
समस्त आंतरिक प्रतिक्रियाओं को स्मरण करके, रिवाइज करके देखें कि हमारा यंत्र किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। कुछ पल इन सभी चीजों को स्मरण करते हुए, इनका अवलोकन करते हुए अपने भीतर की प्रतिक्रियाओं को हम थोड़ा नोटिस करेंगे। महसूस करें उन समस्त नकारात्मक स्थितियों का स्मरण कर हमारे भीतर क्या महसूस हो रहा है। यदि हमारे भीतर इन तुच्छ मानवता विरोधी घटनाओं के प्रति नाराजगी, क्रोध, आवेश विद्यमान है तो हमको समझना चाहिए कि हम उस रचनाकार के वास्तविक प्रतिनिधि हैं। क्योंकि रचनाकार तीन प्रकार की अनुभूतियां या तीन प्रकार के कार्य अपनी रचना के लिए करता है। निर्माण पहला नंबर, पालनहार देखरेख दूसरा नंबर और संहार, यानी जो चीजें खराब हो गई हैं उनको मिटा देना। और वो कैसे मिटाते हैं? महसूस करके देखें। जब वो अपने से जुड़े मानव रूपी प्रतिनिधियों के हृदय में इस रचना के विपरीत घटित होने वाले कार्यों के प्रति पीड़ाओं को, नाराजगी को, आक्रोश को, क्रोध को महसूस करते हैं तो अपने समस्त अनुचरों को आदेश देते हैं और तब होता है विध्वंस। कलुषित भावनाओं से ग्रसित मानव रूपी दानवों का, नरपिशाचों का, शैतानों का प्रचंड तूफान आते हैं तो कहीं ज्वालामुखी फटते हैं तो कहीं धरती डोलती है तो कहीं महामारी आती है तो कहीं युद्ध होते हैं। ये
परमेश्वरी की इच्छा से घटित होते हैं। जब वो देखती है मेरे प्रिय बच्चों का हृदय आहत होता जा रहा है, निरंतर उनके दिलों पर चोट पड़ती जा रही है, उस चोट से उस महादेवी को पता चलता है और इसके विपरीत जब वो देखती है कि उनके अच्छे सच्चे बच्चों का हृदय प्रेम से परिपूर्ण है, किन्हीं लोगों के प्रति प्रसन्नता है, किन्हीं स्थितियों के प्रति आनंद है, तो वो उसको भी कई गुना बढ़ा देती है और अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर भावनाओं को भीतर में संजोने के लिए वो उन बच्चों को पुरस्कृत भी करती रहती है। यदि हमारे भीतर में उन समस्त प्रकार की हानिकारक स्थितियों के प्रति विरोध उत्पन्न होता है तो यह गलत नहीं है, सही है। चेतना के मुताबिक हम सबका कर्तव्य बनता है गहन ध्यान अवस्था में अपनी उन रोषपूर्ण भावनाओं को, अनुभूतियों को भीतर में ही उस सर्वेश्वरी के समक्ष जरूर रखें और चित्त से कार्य करें उन सबको मिटाने के लिए। हमको आत्म साक्षात्कार इसीलिए नहीं दिया गया है कि बस केवल अपने रात दिन मोक्ष की कामना करें, बल्कि इन सभी को प्राप्त करते हुए इस रचना के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भी महसूस करें। हमको बाह्य रूप से कुछ भी नहीं करना है, सारा कार्य परमेश्वरी की शक्तियां ही करेंगी। इस जन्म में शरीर रहते हुए हमें मात्र ध्यानस्थ अवस्था में अपने उस क्रोध को, जो अन्याय से अन्याय को देखकर उत्पन्न हो रहा है, परमेश्वरी तक पहुंचाना है और सुंदर सुंदर अभिव्यक्तियों को भी उन तक पहुंचाना है, यानी इस रचना के साथ जुड़े जुड़े जो भी भीतर में हमारा अंतःकरण प्रतिक्रियाएं देता है, चाहे वो सुखद हो चाहे वो दुखद हो, दोनों को ही उन तक
पहुंचाना होगा, तभी मां की शक्तियां संतुलन की स्थापना करेंगी। हमको यह कदापि नहीं सोचना, अरे हम तो मां के चरणों में हैं, हमारा कुछ बिगड़ नहीं सकता, हमें इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं। यदि हम यहां पर मौजूद हैं तो हमारा मतलब है, चाहे हम निर्लिप्त ही रहे, निर्लिप्त रहते हुए भी हमारा मतलब है। हमारा कर्तव्य है, हम समस्त जागृत चेतनाओं का यह भी एक कार्य है। यदि हम में से कुछ चाहें तो इन तथ्यों को अपना सकते हैं, अपने कर्तव्यों को निभा सकते हैं। यदि ना चाहें तो कोई बात नहीं, सबकी हम सबकी अपनी अपनी आंतरिक अवस्थाएं होती हैं, परंतु यह चेतना अपने भीतर जो घटित होता है उन सबको आप सबके सामने शेयर करती है, क्योंकि हम सबका कर्तव्य है अपनी इस धरा को पुनः सुंदर बनाना। हम सब परम के हाथ पांव हैं, केवल और केवल हमको ध्यानस्थ अवस्था में उन समस्त चीजों पर चित रखना है और इस पुनर्निर्माण के कार्य में अपने चित्त की सहायता से सहयोग करना है और बाह्य रूप से भी जो हमसे बंध पड़े, यानी अन्य मानवों को जागृत करना है, जागृत मानवों को स्थापित करना है और स्थापित मानवों से दिव्य कार्य लेने के लिए प्रेरित करना है। यह समस्त कार्य पराशक्ति हमसे चाहती है। इतिहास गवाह है, जब से मानव का उद्भव हुआ है तभी से परमपिता के प्रतिनिधि इस धरा पर आते रहे हैं और इस धरा के वातावरण को सुंदर बनाने के लिए प्रयत्नशील रहे हैं। यदि हम में से कुछ लोग ऐसा महसूस करते हैं तो बस ध्यान के दौरान या ध्यान के बाद कुछ मिनट इस पुनर्सृजन के लिए निकालने हैं, चित्त की शक्तियों को सृजन पे लगाना है, अपनी सुंदर भावनाओं को इन शक्तियों के साथ जोड़ना है और अपने हृदय के प्रेम को उन समस्त जुड़ी हुई चीजों तक पहुंचाना है। मात्र 5-10 मिनट देने से
बहुत कुछ घटित होगा, आदाताइयों का अंत होगा, सुंदर सुंदर पुष्प सारे जहां में खिलेंगे और उन पुष्पों की सुगंधि से पूरा विश्व महकेगा। जरा गौर करके देखें तो पाएंगे यह सब कुछ घटित हो रहा है, बस हमको भी अपने हृदय से पूर्ण इच्छा से इस मां के बताए मार्ग पर चल सृजन के कार्यों में आंतरिक रूप से बाह्य रूप से जुड़ जाना है, तभी हमारा मानवीय जीवन जो एक साधक साधिका के रूप में है सार्थक होगा। अतः आप सब से, आप सबकी चेतनाओं से इस चेतना का यह विनम्र निवेदन है, यह एक आंतरिक आंदोलन है जो भीतर में ही नहीं बाहर भी परिवर्तन लाता है। जब कोई बीज धरा के गर्भ में पड़ जाता है तो धीरे धीरे वो बाहर भी फूटता है और सुंदर सा वृक्ष बनकर सारी मानव जाति को मीठे मीठे फल प्रदान करता है। हर एक साधक एक परम का एक सुंदर वृक्ष है, बस अपने भीतर इस तथ्य को महसूस कर ध्यान से हमें इसे पोषित करना है, सुंदर सुंदर भावनाओं से इसका निर्माण करना है, अपने साथ अनेकों चेतनाओं को जोड़ना है। तो इसी चिंतन व ध्यान यात्रा के साथ आज की यात्रा समाप्त होती है। जय श्री माता जी।